लेकिन किसी कंडीशन में मृत्यु हो जाए, कोई आत्महत्या कर ले, तो ईमानदारी से बताओ, आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को चाहे आप अग्नि में जला दो, चाहे आप जल में प्रवाहित कर दो, चाहे पृथ्वी में गाड़ दो, लेकिन आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है। आत्महत्या जघन्य अपराध है, कभी किसी को यह डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए। चाहे जैसी कंडीशन क्यों ना आ जाए, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। त्रिजटा ने कहा कि आत्महत्या करना यह उचित नहीं है, इसलिए सोचने की जरूरत है। लेकिन आत्महत्या से क्या त्रिजटा रोक पा रही है? नहीं नहीं, सीता जी को आत्महत्या से अगर रोका है तो कथा ने रोका है, त्रिजटा ने नहीं। किसने रोका है? क्योंकि त्रिजटा से, अब हम प्रमाण दे रहे हैं, जरा एक एक बात सुनते जाना, बहुत अच्छी बात है, ये क्लियर कर रहा हूं। पहली बात तो ये कि रावण ने एक महीने की बात कही कि मांस दिवस ते कहा ना माना तो मैं मारो काढ़ कृपाणा। एक महीने के अंदर यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कराल कृपाण से तुम्हारा मस्तक छिन्न कर दूंगा, मस्तक अलग धड़ से। मंदोदरी ये शब्द सुन रही थी, जैसे ही मंदोदरी ने यह सुना कि सीता जी ने लंका के वैभव को तिनके के समान तुक्ष माना, तो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा तो मंदोदरी की दांव पे लगी थी, क्योंकि मंदोदरी बन रही थी नौकरानी और रावण बना रहा था सीता जी को महारानी, और महारानी बन रही, महारानी थी मंदोदरी, वो नौकरानी बन रही थी। तो जैसे ही सीता जी ने कहा कि ये तिनका देश तेरी लंका है, उसी समय मंदोदरी ने सीता जी के प्रति अपना समर्पण कर दिया। मैं एक बात कहता हूं, भारत की नारी के प्रति समर्पण ही किया जा सकता है, चाहे जितना वैभवशाली देश क्यों ना हो, लेकिन अगर वो समर्पण करेगा तो भारत की नारी के चरित्र सतीत्व के आगे ही समर्पण करेगा। यह विशेषता है। एक उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा, शायद मैंने भी कभी सुनाया हो या आप अन्य महात्माओं से भी सुने होंगे। विवेकानंद जी की शब्दावली से, विवेकानंद जी के शब्द से, उनके दिव्य साहित्य से, उनके दिव्य उद्बोधन से, बोलो विदेश के लोग प्रभावित हुए थे कि नहीं हुए थे? हुए थे ना। कहां गए थे? शिकागो की बात आती है, शिकागो गए थे। पूरा का पूरा वातावरण ही बदल गया, विदेशी प्रभावित हो गए। लेकिन एक महिला विवेकानंद जी के पास पहुंची और उसने कहा कि मैं आपके प्रवचन से, उपदेश से, संदेश से बहुत प्रभावित हुई हूं, आपके शब्द ने मेरा हृदय बदल दिया, आपके साहित्य ने मुझे जीवन दिया, आपके संदेश ने मुझे आप तक आने के लिए विवश किया। विवेकानंद जी महाराज ने कहा, कहना क्या चाहती हैं आप? मैं यही कहना चाहती हूं कि मैं अनमैरिड हूं, मेरी इच्छा यह है कि मैं विवाह करूं तो आपसे करूं। विवेकानंद जी ने कहा, मैं सन्यासी हूं, विवाह विवाह तो नहीं करूंगा, विवाह करने के लिए मेरी परंपरा ने मुझे आदेशित नहीं किया है, लेकिन मेरे साथ विवाह करके आप क्या चाहती हैं? कहा, आप जैसा पुत्र। विवेकानंद जी ने कहा कि इसके लिए विवाह करने की क्या जरूरत? क्या बात है, इसको करैक्टर कहते हैं, इसको चरित्र कहते हैं। अरे, पुत्र की प्राप्ति के लिए विवाह करने की क्या आवश्यकता? विवाह के लिए तो पति की प्राप्ति के लिए विवाह किया जाता है। बोलो, किसकी प्राप्ति के लिए? जल्दी बोलो, पति की प्राप्ति के लिए विवाह किया जाता है। अच्छा, फिर उसमें यह लक्ष्य बन जाता है कि वंश वृद्धि हो, वंश चले। बोलो भाई, वंश चले, लेकिन प्राथमिकता क्या है विवाह में? पति की प्राप्ति।
लेकिन ये जरूरी नहीं है कि विवाह के बाद संतान हो। कितने ऐसे लोग हैं जो निसंतान हैं, बोलो भाई, ये आवश्यक नहीं है कि संतान हो, लेकिन विवाह का संयोग बनता ही है और विवाह होता है। तो विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि विवाह किया जाता है पति को प्राप्त करने के लिए और पति से इच्छा की जाती है वंश चलाने के लिए, परंतु यह गारंटी नहीं है कि विवाह के बाद संतान हो, और यह भी गारंटी नहीं है कि विवेकानंद जैसी संतान हो। बोलो, है कोई गारंटी कि विवेकानंद जैसी संतान हो? लेकिन इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं कि इधर उधर दुनिया में भटकने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है। अगर विवेकानंद जैसा पुत्र ही चाहती हो तो विवेकानंद जी ने उस महिला के चरण पकड़ लिए, कहा आज से मैं बेटा बन गया हूं आपका, आपको मैंने मां मान लिया है। बोलो, इतना उत्कृष्ट चरित्र हो सकता है किसी देश का जो भारत का है? भारत का सन्यासी कितनी उत्कृष्ट सोच रखता है, भारत का महात्मा चरित्र की ऊंचाई पर पहुंचता है, सुमेर पर्वत भी छोटा पड़ जाता है। आज हम देख रहे हैं कि कभी कभी हमको ऐसे संदेश सुनने को मिलते हैं, लोग कहते हैं महाराज अब तो बहुत बड़ी गिरावटें आती जा रही हैं, बहुत बड़ी गिरावटें आती जा रही हैं। उन्हीं लोगों के जीवन में गिरावटें आती हैं जिन्होंने सुविधा से समझौता किया है, लेकिन जिन महात्माओं ने सुविधा से नहीं सिद्धांत से समझौता किया है उनका चरित्र तो आज भी सुमेर पर्वत से ऊंचा है प्यारे। इसलिए ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, आज भी सुमेर पर्वत से भी ऊंचा चरित्र है, करैक्टर है उनका, बोलो है कि नहीं? लेकिन जिन्होंने सुविधाओं के साथ आत्मसात कर लिया है निश्चित रूप से उनके जीवन में भटकाव आ गया है। इसलिए सुविधा नहीं सिद्धांत। भगवती सीता ने सुविधा को स्वीकार नहीं किया, सिद्धांत को स्वीकार किया, किया कि नहीं किया? विवेकानंद जी ने किसको स्वीकार किया? सिद्धांत को स्वीकार किया।